नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। लालू प्रसाद पर जीतनराम मांझी के खौफ की बात सामने आई है, जो खुद बिहार के पूर्व सीएम ने की है। उन्होंने इसके पीछे एक कहानी भी बताई है, जिसमें कभी लालू प्रसाद ने ये कहा था कि एक मुसहर कभी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। आज मुसहर जाति की स्थिति ऐसी हो गई है कि लालू प्रसाद भी एक मुसहर को अपना प्रत्याशी बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मांझी ने इसे मुसहर जाति का डर बताया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि यदि हमें अपने राज्य का विकास करना है तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार पहले अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लिए कानून बनाए, जिसमें सिर्फ दो बच्चे को जन्म देने का कानून हो और यह पंचायतों में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर लागू हो, क्योंकि पहले हमें सुधरना होगा, तभी हम लोगों को सुधार सकते हैं। मदन मोहन झा ने जगदानंद सिंह के दावों को खारिज किया है। बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस और राजद के बीच अब आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दावों को झूठा बताया है, जिसमें जगदानंद सिंह ने सीट शेयरिंग पर सहमति की बात कही थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लालू प्रसाद को लेकर नया खुलासा किया है। उन्होंने बुधवार को यहां कहा कि अपने कैबिनेट के पशुपालन मंत्री भोलाराम तूफानी से लालू प्रसाद ने फर्जी दस्तावेजों पर दस्तखत कराया। बाद में पशुपालन घोटाला में तूफानी का नाम भी आया, वो जेल गया और सदमा की वजह से उनका निधन भी हो गया। ललन ने यह प्रतिक्रिया लालू प्रसाद के कल के उस दावे पर जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके शासनकाल में दलितों की बहुत तरक्की हुई है। राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की पहली एनडीए सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर, जब 2010 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब सरकार 3/4 बहुमत से सत्ता में लौटी थी। राजद मात्र 22 सीटों पर सिमट गया था, तब लालू प्रसाद यादव जेल में नहीं थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट से बुधवार को सेंसेक्स 555 अंक का गोता लगा देखा गया। वैश्विक बाजारों में बिकवाली में भी यही धारणा प्रभावित हुई है। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 555.15 अंक या 0.93% के नुकसान से 59,179.73 अंक पर गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 176.30 अंक या 0.99% टूटकर 17,646 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर जींसों की बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति को घरेलू स्तर पर नियंत्रित करने की जरूरत के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन द्विमासिक बैठक बुधवार को हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शुक्रवार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक लगातार 8वीं बार नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऋषिकेश एम्स पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बृहस्पतिवार को प्रस्तावित दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का निरीक्षण करते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि सभी व्यवस्था समय से पहले पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसान और पत्रकार के लिए छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम ने बड़ा ऐलान किया है, तो वहीं ये दोनों मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल और पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकारों के परिवार को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से बाढ़, सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे लोगों की संख्या का वैश्विक जोखिम बढ़ सकता है। पानी की किल्लत भी होने की आशंका है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया है कि WHO ने मंगलवार को द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर नामक अपनी नई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार तक चेन्नई और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मंगलवार को चेन्नई में भारी बारिश हुई। IMD ने शहर के आसपास के जिलों जैसे कि चेंगलपट्टू, कांचीपुरम में इस सप्ताह के अधिकांश समय में बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही कई राज्यों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। दिया है केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि गणना के आधार पर 72 दिन का बोनस दिया जाता है, लेकिन इस बार 6 अतिरिक्त दिन का बोनस मिलेगा। मतलब ये कि नॉन गेजेटेड कर्मियों को कुल 78 दिन का बोनस मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर की अस्थायी जेल से रिहाई मिली है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी गाड़ी में लखीमपुर खीरी जाना है, लेकिन पुलिस चाहती है कि हम इसके साथ इनकी गाड़ी में जाए। इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संकेत दिया है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी कि आईपीएल 2022 में चेन्नई के लिए खेलना जारी रखेंगे। संभावना है कि उनके फैंस उन्हें अगले साल चेन्नई में फेयरवेल मैच में देख सकेंगे। वहीं ने इंडियन सीमेंस के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम में कहा कि उन्हें चेन्नई में अपना आखिरी मैच खेलने की उम्मीद है। रूस में पहली बार बुधवार को कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की दैनिक संख्या 900 के पार हो गई है। कोविड 19 मरीजों से जाने के संबंधी यह आंकड़ा ऐसे समय सामने आया है जब देश में टीकाकरण की दर कम है और सरकार नए मामलों पर काबू के लिए सख्त प्रतिबंध लगाने की इच्छुक नहीं है। केरल के लोकप्रिय कार्टूनिस्ट सीजे येसुदासन का बुधवार की सुबह कोची स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। वो पिछले महीने अस्पताल में भर्ती हुए थे। ठीक होने के बाद घर पर आराम कर रहे थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि राज्य ने एक बेहद प्रतिभाशाली बेटे को खो दिया है, जिन्होंने अपने रेखा चित्रों के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को सामने लेकर वो आए थे और वो सभी को याद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व यानी कि ग्रामों का सर्वेक्षण, ग्राम क्षेत्रों में इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार वो इस अवसर पर योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड देते देखे गए। कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। झारखंड में बांधों और बैराजों से छोड़े गए पानी और दामोदर घाटी निगम जीवीसी के तहत आने वाले बांधों से छोड़े जाने वाले पानी से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आने का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बार बार आ रही समस्या का स्थायी समाधान मांगा है। इस संबंध में 4 अगस्त को लिखे गए एक और पूर्व पत्र का उल्लेख करते हुए बनर्जी ने कहा, मैंने उन संचारात्मक कारकों पर प्रकाश डाला था जो दक्षिणी बंगाल में गंभीर मानव निर्मित बाढ़ की स्थिति को बार बार दयनीय और दुखद रूप में जन्म देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख उधार दरों को बनाए रखेगा। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि विकास को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बैंक का उधार रुख बनाए रखना जरूरी है। दूसरी तरफ केंद्रीय बैंक अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए परिवर्तनीय रिजर्व रेपो दर संचालन के अलावा ठोस टेपरिंग उपाय शुरू करने के लिए एक समय रेखा का संकेत दे सकता है, जिससे मुद्रास्फीति के दबाव से बचा जा सके। लखनऊ में कई जगह पोस्टर लगवाकर दावे किए गए हैं कि कांग्रेस किसानों के प्रति झूठी सहानुभूति जता रही है। बुधवार की सुबह सामने आए पोस्टर में कांग्रेस को 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हुए पार्टी से दबे घावों को न कुरेदने का आग्रह किया गया है। पोस्टर कथित तौर पर कुछ स्थानीय सिख संगठनों द्वारा लगाए गए हैं। अगर आप भी पेमेंट का डिजिटल मोड यूज करते हैं तो आपको बता दें कि आप आधार नंबर से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी डिजिटली पेमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए जिसे भुगतान करना है उसके पास कोई फोन या यूपीआई एड्रेस नहीं है तो आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अगर भीम यूजर है तो रिसीवर के आधार नंबर का इस्तेमाल कर आप पैसे आसानी से भेज सकते हैं। ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर पुराने पटाखे बेचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरों की जिंदगी की कीमत पर हम उत्सव नहीं मना सकते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि पटाखों पर बैन के हमारे पुराने आदेश पर अमल सुनिश्चित करना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स को गुरुवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड से सभी 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ये ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। पीएमओ ने कहा कि सभी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बड़ा तोहफा दिया है। 2021-22 से शुरू होने वाले 5 साल में फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त लायबिलिटी के डिवीजन करने की अनुमति दे दी है। आईबीआई ने कहा है कि बैंकों को वित्तीय विवरणों के नोट्स टू अकाउंट्स में इस संबंध में अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा। बता दें कि ये छूट भारतीय बैंक संघ के अनुरोध के बाद दी गई है। राहुल गांधी को जब लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं मिली तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने टीएमसी नेताओं को जिस तरह स्कैंड से पीड़ित परिवार से मिलने दिया, वैसे ही कांग्रेस नेताओं को भी इजाजत दे। राहुल गांधी के इस बयान पर टीएमसी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी को लोगों और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। हानिकारक बैक्टीरिया का पता चलने के बाद चीन से जैविक खाद के आयात पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब श्रीलंका चीन की जगह भारत से इसका आयात करेगा। पिछले महीने श्रीलंका ने चीन के किंगदाओ सिवीन बायोटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड से $63 मिलियन की लागत से 99,000 मीट्रिक टन जैविक उर्वरक आयात करने की योजना को रद्द कर दिया है।
लखीमपुर मामले में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष सरकार के ऊपर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे के दबाव लगातार सामने आ रहे थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली पहुंचे और यहां जाकर के उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में अजय मिश्रा ने गृह मंत्री के सामने तमाम साक्ष्य और अपना पक्ष रखा है। अजय मिश्रा की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों से गृह मंत्री संतुष्ट नजर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व अजय मिश्रा से इस्तीफा नहीं मांगेगी। पुडुचेरी राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव के लिए एक नई अधिसूचना जारी करेगा, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उसे पहले की अधिसूचना को वापस लेने की अनुमति दी थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी, न्यायमूर्ति पीडी और डी के सबलू ने राज्य चुनाव आयोग के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकर नारायणन द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद एक नई अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर द्वारा बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी गई है। कैबिनेट ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपए की पीएम मित्र योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं इस दौरान ठाकुर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आज कैबिनेट बैठक में दो विभागों को लेकर निर्णय हुए हैं। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,833 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 278 लोगों की जान गई है। वहीं 24 घंटे में 24,770 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि देश में एक्टिव केस की संख्या 2.5 लाख से कम हो गई है। देश में फिलहाल 2,46,687 मरीज का इलाज चल रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अली जावेद, अनवर हुसैन, ओमकार सिंह, मुकेश कुमार, सर्वेश कुमार, संतोष ठाकुर, इंडियन एक्सप्रेस, मिथिलेश कुमार, रामाशीष पाल, चिंटू कुमार, राजू प्रजापति, निर्मल दास, दीपेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले की सबसे मशहूर चीज क्या है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।